हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी। और एक्सपांशन स्ट्रेटजी में हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ मर्जर के बारे में। बट टाइप्स ऑफ मर्जर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि मर्जर्स और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्जर्स एंड एक्विजिशन यूज फॉर एक्सपांशन। किसी भी कंपनी को अगर एक्सपांशन करना है तो या तो वो इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जा सकती है, या फिर दूसरा तरीका है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू जा सकती है, या तीसरा तरीका होता है स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बना सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक्सपांशन किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मर्जर्स के थ्रू किस तरीके से एक्सपांशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्जर्स और एक्विजिशंस दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों ही तरीके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपांशन के एक अट्रैक्टिव, या हम बोल सकते हैं कि दीज आर द इंस्टेंट मीन ऑफ अचीविंग एक्सपांशन। इंस्टेंट मीन क्यों है? क्योंकि एक कंपनी जो बिल्कुल रेडी है, चल रही है, काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और अगर आप उसको टेक ओवर करते हो या आप उसके साथ मर्ज हो जाते हो तो कहीं ना कहीं जो टाइम को लेके जो कंस्ट्रेंट होती हैं या जो रिस्क होती हैं प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट के बारे में किसी तरह की भी, इन सारे रिस्क को आप क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। तो एक रनिंग कंपनी के साथ मर्ज होना या उसको टेक ओवर कर लेना फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फॉर मार्केट एक्सपांशन, दिस इज़ अ इंस्टेंट मीन फॉर एक्सपांशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इट्स अ रेडीमेड मीन ऑफ एक्सपांशन कि एक रेडी कंपनी को आपने एक्वायर कर लिया है या आप उसके साथ में मर्ज हो रहे हो। ठीक है, तो मर्जर्स और एक्विजिशन दोनों को हम एक्सपांशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड मर्जर। क्या डिफरेंस होता है? मर्जर सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि ये एक फ्रेंडली नेचर का होता है। फ्रेंडली नेचर मीन्स दो कंपनीज आपस में एक नई एंटिटी क्रिएट करती है, मे बी इट्स फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट और फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फॉर मार्केट कैप्चरिंग, किसी भी रीज़न से, या कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, किसी भी रीज़न से जब दो कंपनीज आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मली जो फ्रेंडली नेचर में होती हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इस तरह के मर्जर बोलते हैं। सो मर्जर इज़ अ प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपांड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। लेकिन जब एक डोमिनेटिंग कंपनी किसी वीकर कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, दैट मीन्स नेचुरल सी बात है कि जो टर्म्स और कंडीशंस होंगी वो सारी डोमिनेटिंग कंपनी की चलेगी, यानी एक अनफ्रेंडली नेचर रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। तो एक्विजिशन इज़ अ प्रोसेस इन अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी टेक ओवर द वीकर वन। दैट मीन्स मर्जर इज़ अ नेचर ऑफ फ्रेंडली टर्म्स एंड कंडीशंस, बट एक्विजिशन इज़ अ नेचर ऑफ अनफ्रेंडली मैनर, क्योंकि यहाँ टर्म्स और कंडीशंस किसकी चलेंगी? उस डोमिनेटिंग कंपनी की चलेगी। ठीक है, मर्जर में एक न्यू एंटिटी क्रिएट होगी जिनमें दोनों ही मर्ज होने वाली कंपनी का स्टेक होगा, रिसोर्सेज होंगे। लेकिन एक्विजिशन में जो न्यू कंपनी होगी या जो कंपनी हो किसके नाम पे चलेगी? इन द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी। तो एक्विजिशन मीन सिंपली किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेना, क्योंकि वो एक वीकर वन है, उसको सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो आपने उसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन मर्जर में बेनिफिट उठाने के लिए किसी भी तरह के, लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट उठाने के लिए, या अपना मार्केट शेयर एक्सपांड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट उठाने के लिए, किसी भी मैनर में बेनिफिट उठाने के लिए जब दो कंपनीज आपस में मिल जाएंगी, एक नई एंटिटी क्रिएट करेगी फ्रेंडली नेचर में, तो उसे हम बोलेंगे मर्जर। तो एक्विजिशन हमारे सिलेबस में इतना ही है। हम बात करेंगे मर्जर्स के बारे में कि मर्जर किस तरह से हो सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर में हम चार तरह के मर्जर्स के बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमेरेट। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ मर्जर। द फर्स्ट मर्जर इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब क्या होता है? सेम इंडस्ट्री। ठीक है, दो ऐसी कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है, अगर वो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है तो ऐसे मर्जर को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। यानी एक तरीके से हम हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ में, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ में मर्ज हो रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? इसका ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जब आप एक बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है, दैट मीन्स आपके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा, और आप इजीली मार्केट को क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, कम प्राइसेस पर भी आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाना, दैट मीन्स जब दो कॉम्पिटिटर्स आपस में मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके एसेट्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कॉमन हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो इसे कम करके और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा के एक्सपांशन कर सकते हैं। दैट मीन्स मर्ज विथ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर को हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे लिप्टन इंडिया एंड ब्रुक बॉन्ड, दोनों सेम इंडस्ट्रीज हैं, दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं, दोनों फर्म्स सेम इंडस्ट्री से टी लीव्स इंडस्ट्री, तो मर्ज कंपनी दैट इज लिप्टन ब्रुक बॉन्ड। या हम पैप्सी और कोको कोला के मर्जर के बारे में बात करें, द न्यू वन इज पैप्सिको, तो पैप्सिको इज अ इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। या हम सीमेंट इंडस्ट्रीज की दो फर्म की बात करें, ACC इट्स एसोसिएट सीमेंट कंपनी एंड दामोदर सीमेंट कंपनी, दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो जब आप सेम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ बेनिफिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाने के लिए अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ में मर्ज हो जाते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मर्जर इज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर मीन्स अब जो कंपनीज हैं वो सेम इंडस्ट्री में हैं लेकिन डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस मीन्स मान लीजिए कि आप इस स्टेज पर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर हैं, ठीक है, और आप जिस कंपनी के साथ अब आप मर्ज होना चाहते हैं वो कंपनी सेम इंडस्ट्री में है लेकिन उसके प्रीवियस प्रोसेस पर स्टैंड करती है या उसके फॉरवर्ड प्रोसेस पर, जैसे कि वो कंपनी रॉ मटेरियल बनाती है या कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, दैट कंपनी इज़ आर द सप्लायर ऑफ योर्स, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह काम करती हैं। तो अगर आप इन कंपनीज़ के साथ में आप इस पोजीशन पर स्टैंड करते हो और अगर आप अपने से प्रीवियस प्रोसेस वाली किसी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाते हो, दिस इज़ कॉल्ड बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर। लेकिन आप अपने किसी नेक्स्ट प्रोसेस वाले, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाली कंपनी के साथ में मर्ज हो जाते हो तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर एंड दिस इज फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। तो सिंपली वर्टिकल मर्जर मीन्स द मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपकी इंडस्ट्री सेम रहेगी लेकिन आपका प्रोसेस स्टेज सेम नहीं रहेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप अपने सप्लायर के साथ मर्ज हो रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मर्ज हो रहे हो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वर्टिकल मर्जर। दे आर टू काइंड ऑफ वर्टिकल मर्जर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्टिकल मर्जर्स आर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमीज। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वर्टिकल मर्जर का वॉल्ट डिज्नी एंड पिक्सर। वॉल्ट डिज्नी और पिक्सर के मर्जर से जो कंपनी है दैट इज डिज्नी पिक्सर। वॉल्ट डिज्नी अपने आप में एक मास एंड एंटरटेनमेंट, मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसको हम बोल सकते हैं, और पिक्सर जो है वो एक स्टूडियो है, से इट्स एनिमेटेड स्टूडियो। इसके एनिमेशन और वॉल्ट डिज्नी के कैरेक्टर्स से जो मूवीज़ बनी है, लाइक इनके मर्जर के बाद जो मूवीज़ बनी है, दोज आर टॉय स्टोरी सेकेंड एंड कार्स 3, तो ये जो मर्जर है इट्स अ काइंड ऑफ वर्टिकल, ठीक है ना। तो पिक्सर क्या करता है, इट्स एनिमेटेड स्टूडियो एनिमेशंस और इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है, और वॉल्ट डिज्नी अपने आप में एक एंटरटेनमेंट मीडिया है। तो इसके मर्जर को हम किसके थ्रू समझ सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वर्टिकल मर्जर। दूसरा एग्जांपल हम लें ईबे एंड पेपल। ईबे शॉपिंग एंड पेपल इज अ पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म। तो इन दोनों का मर्जर है तो सेम इंडस्ट्री ना, लेकिन इंडस्ट्री में आप किस स्टेजेस डिफरेंट हैं, आप या तो प्रीवियस स्टेज पर स्टैंड करते हैं या फॉरवर्ड पर, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल मर्जर। द थर्ड टाइप ऑफ मर्जर इज को जेनरिक मर्जर। को जेनरिक मर्जर मीन्स अब हम ये बात करेंगे कि जो दो कंपनीज
सेम इंडस्ट्री में है लेकिन उनके प्रोडक्ट या उनकी सर्विस आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, दोज आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर. कहीं ना कहीं उन कंपनीज का प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज, उनके टारगेट मार्केट्स या उनकी जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज हैं उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है. तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर टेक्नोलॉजी, सिमिलर गुड्स वाली जब कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है, दैट इज़ कॉल्ड को जेनेरिक मर्जर. क्योंकि अगर आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट वाले किसी कंपनी के साथ में मर्ज होते हो तो इसका मतलब वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो सकता है. तो आप कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए जब मर्जिंग करते हो दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए. जैसे एक कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर्स बनाती है, अब वो किसी ऐसी कंपनी के साथ में मर्ज हो रही है जो दूसरे ही तरह के किचन अप्लायंसेस बना रही है. तो इंडस्ट्री तो सेम है ना, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है. कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स, आपकी टेक्नोलॉजी या आपका कस्टमर टारगेट, आपका मार्केट टारगेट क्या होगा, सिमिलर होगा. तो उस केस में जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं, न्यू कंपनी फॉर्म करती है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ को जेनेरिक मर्जर. और को जेनेरिक मर्जर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ एक्सटेंशन, वाइडनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन. आप अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाहते हो. जैसे सिर्फ रेफ्रिजरेटर पर ही आप नहीं रहना चाहते, आप दूसरे किचन अप्लायंसेस में भी एंटर होना चाहते हो, तो आपने एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में, इस तरह की कंपनी के साथ में मर्जिंग की, दैट इज़ कॉल्ड को जेनेरिक. सो व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड इन सम वे दैट दे आर रिलेटेड, आप में और मर्ज होने वाले जिस कंपनी के साथ आप मर्ज हो रहे हो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, एक रिलेशन है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ है, किस किस में, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मार्केट और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़. द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन. तो इस तरह के मर्जर को हम क्या बोलेंगे, को जेनेरिक मर्जर. जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिटी ग्रुप. सिटी ग्रुप इज़ अ मर्जर ऑफ सिटी कॉर्प एंड ट्रैवलर्स कंपनी. सिटी ग्रुप इट्स अ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड ट्रैवलर्स इज़ अ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है. दोनों ही फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में है, दोनों ही फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है. अब इनके मर्जिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये हुआ, जो कस्टमर बैंकिंग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं इन्हें साथ में इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या जो कंज्यूमर सिर्फ इंश्योरेंस फैसिलिटी ले रहे हैं उन्हें साथ में बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना. तो इनके कस्टमर्स कॉमन हो गए, कस्टमर्स की कॉस्ट कम हो गई और इनका भी मार्केट एक्सपांशन हो गया. तो अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाने के लिए सिटी कॉर्प ट्रैवलर्स का जो मर्जर है, दैट इज़ सिटी ग्रुप, इट्स अ काइंड ऑफ को जेनेरिक मर्जर. एक और एग्जांपल कोट कर सकते हैं इसके अंदर हम, नेक्स्टलिंक कम्युनिकेशन INC, इट इज़ अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड इसका मर्जर कॉन्सेंट्रिक नेटवर्क कॉरपोरेशन के साथ में. कॉन्सेंट्रिक नेटवर्क कॉरपोरेशन ये प्रोवाइड करती है डायलअप कनेक्शंस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटीज़, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है. तो देखा जाए तो ये दोनों ही सेम इंडस्ट्री में है कि अपने कंज्यूमर्स को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो इन दोनों के मर्जर को क्या कहेंगे, दैट इज़ अ काइंड ऑफ को जेनेरिक. तो को जेनेरिक मीन्स मर्ज होने वाली कंपनीज में कहीं ना कहीं क्या होगा, रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे. टेक्नोलॉजी वाइज रिलेट कर सकते हैं, मार्केट वाइज, प्रोडक्शन प्रोसेस वाइज और प्रोडक्ट वाइज, दैट्स वाई इट इज़ रिलेटेड काइंड ऑफ मर्जर. द लास्ट टाइप ऑफ मर्जर इज़ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. कॉन्ग्लोमरेट, जैसा कि हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि ऐसी दो कंपनीज जिनके बीच में किसी तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ना कस्टमर टारगेट मार्केट को लेके कोई सिमिलरिटी है, ना फंक्शंस को लेके कोई सिमिलरिटीज़ है, ना टेक्नोलॉजी को लेकर कोई सिमिलरिटीज़ हैं. देयर इज़ नो लिंकेज बिटवीन द टू मर्ज कंपनीज. तो ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी दो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, मार्केट में किसी तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं है, टोटली अनरिलेटेड कंपनीज अगर आपस में मर्ज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाना, या ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना, मार्केट एक्सपांशन करना. ठीक है, तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, या मार्केट एक्सपांशन करने के लिए, या इकोनॉमिक्स ऑफ बेनिफिट
उठाने के लिए, जब दो अनरिलेटेड कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं मैंने, जैसे वॉल्ट डिज्नी एंड एबीसी का जो मर्जर है, वॉल्ट डिज्नी इज़ अ मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी एंड एबीसी इज़ अ अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों का मर्जर, दैट इज़ डिज्नी एबीसी, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। या L&T लार्सन एंड टर्बो और वोल्टास के मर्जर की बात करें तो दोनों के काम करने का तरीका, दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। टाइम वॉर्नर केबल एंड टर्नर, दैट इज टर्नर टाइम वॉर्नर कंपनी, तो ये सारे मर्जर्स किसके एग्जांपल हैं, कॉन्ग्लोमरेट के। जैसे मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ, जैसे मान लो कि एक कंपनी है जो एथलीट शूज़ बनाती है, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है, तो जब भी स्पोर्ट्स होते हैं तो शूज़ की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन जब गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, तो ड्रिंक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक एथलेटिक्स शूज़ बनाने वाली, एथलेट शूज़ बनाने वाली कंपनी, स्पोर्ट्स शूज़ बनाने वाली कंपनी, अगर ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या हेल्थ ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमरेट। दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है कि जब भी स्पोर्ट्स इवेंट होंगे तो दोनों का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होंगे। तो एक तरफ तो शूज़ बनाने वाली कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका टारगेट मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है, और दूसरी तरफ सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। तो इस तरह से जो डिफरेंट कंपनीज़ अगर, अनरिलेटेड कंपनीज़ अगर आपस में मर्ज हो जाएंगी तो इस तरह के मर्जर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। सो देर आर फोर काइंड्स ऑफ मर्जर, हॉरिजॉन्टल सेम इंडस्ट्री सेम प्रोसेस, वर्टिकल सेम इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोसेस, को जेनेरिक सेम इंडस्ट्री बट सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर टेक्नोलॉजी, बट टू डिफरेंट, टू अनरिलेटेड, बिल्कुल दो ऐसी कंपनीज जिसमें कोई लिंक नहीं है, अगर ऐसी कंपनीज का आपस में मर्जर होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। एक्सपांशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इसका जो लास्ट मैनर है या जो तीसरा तरीका और लास्ट तरीका है, दैट इज एक्सपांशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस मीन्स सिंपली इट्स अ ग्रुप, ठीक है, जो मार्केट कैप्चरिंग के लिए या ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठाने के लिए से आपस में दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अलायंस, इट्स अ ग्रुप। लेकिन अलायंस की, स्ट्रैटेजिक अलायंस की ये एक खास बात होती है कि अलायंस में जो पार्टनर्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जो अलायंस होगा, जो ग्रुप होगा, वो आपस में मिलके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम कर सकता है। जैसे हम नॉर्मली अकाउंट्स वगैरह में, जिनको हम जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब हम ग्रुप बना लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं, और इसमें जुड़ने वाला हर मेंबर, हर पार्टनर, उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मीन्स उनकी आइडेंटिटीज मिक्स होकर कंबाइंड नहीं हो जाती, दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मर्जिंग, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड अलायंस। तो वॉट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच to achieve certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own। ऐसे objectives को achieve करना जो शायद वो अकेले achieve ना कर पाएँ, तो मिल के आपस में group बना के collaboration करके और उन certain objectives को achieve करने के लिए two or more companies के relationship को हम क्या बोलते हैं, strategic alliance। The most important feature of strategic alliance is strategic partners maintain their status as independent and separate entity. They share benefits and continue to make contribution to alliance until it is terminated. ठीक है, तो strategic alliances के बहुत सारे examples हमें practical world में देखने को मिलते हैं। For example, ICICI and Vodafone India का जो M-Paisa app है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अलायंस। अब ICICI और Vodafone ने मिलके ज़रूर M-Paisa app खोला है, ये फीचर लॉन्च किया है। इट्स अ बैंकिंग सेक्टर, ICICI एंड Vodafone इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो इन दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट है, ये दोनों मर्ज नहीं हुए हैं, दोनों अपने अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर या बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट, दैट इज़ M-Paisa लॉन्च किया है, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। या मैकडोनल्ड विद डिज्नी, जैसे मैकडोनल्ड्स में हम कोई भी हैप्पी मील परचेज करते हैं तो उसमें हमें डिज्नी के टॉयज़ मिलते हैं। या एप्पल एंड IBM का स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्टार अलायंस, स्टार अलायंस ये एयरलाइंस का एक सबसे बड़ा अलायंस है, ठीक है, Spotify एंड Uber। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल अलायंसेस देखने को मिलते हैं। ये अलायंसेस
किस पर्पस से बनाए जाते हैं? तो नॉर्मली जो इनका पर्पस होता है ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब से डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में जितने भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो नॉर्मली आपस में मिलके अलाइंसेस बनाती हैं ताकि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, ठीक है, इन सबको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इकोनॉमिक बेनिफिट तो उठाने ही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, मार्केट कैप्चरिंग करनी है। इनका मेन टारगेट ये भी होता है कि पॉलिटिकल बैरियर्स को कम करना और ग्लोबलाइजेशन में जाना। तो हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस। दे आर फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस। तो सब फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जब कंपनीज मिलके, फर्म्स मिलके अपने आप में ग्रुप बनाती है, अलाइंसेस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को क्या करती हैं, शेयर करती हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी शेयर होती है, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब क्या होता है, शेयर होता है। दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट कि आप अपने मैनेजमेंट को, जैसे किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्किल है उस ग्रुप में, तो उसका बेनिफिट उस अलायंस की सारी कंपनीज को मिलेगा, या किसी एक कंपनी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर एक्सेस बहुत अच्छा है, तो इसका बेनिफिट उस अलायंस के सारी कंपनीज को मिलेगा। दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज। द सेकेंड एडवांटेज इज इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक मीन्स जब सारी कंपनीज मिलके एक साथ वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है, तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के साथ साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, और अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। द सेकेंड एडवांटेज इज इकोनॉमिक एडवांटेज। द थर्ड एडवांटेज इज स्ट्रैटेजिक। एक ग्रुप की सारी कंपनीज आपस में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की भी शेयरिंग करती है, ठीक है, जैसे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन करना, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, ये सब वो मिलके इन चीज़ों के लिए एफर्ट करती हैं। प्लानिंग साथ में की जाती है, अकॉर्डिंगली एडवांटेज गेन करना, किस तरीके से मार्केट कैप्चर करना है, तो ये सारे बेनिफिट जो हैं वो सब स्ट्रैटेजिक बेनिफिट में आते हैं, कि प्लानिंग की शेयरिंग करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जॉइंटली मिलकर करना ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो सके। या अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है और उसी ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है वो रॉ मटेरियल यानी कि सप्लायर की कैटेगरी में आती है, तो इस तरह का जो वेंचर होगा, इस तरह का जो अलायंस होगा, दैट इज़ काइंड ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट इज़ दीज बेनिफिट्स आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस। एंड द लास्ट बेनिफिट इज़ पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल एडवांटेज। पॉलिटिकल एडवांटेज मीन्स मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है और वो फॉरेन मार्केट में एंटर होना चाहती है, लेकिन फॉरेन मार्केट में बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है या बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिनको रिमूव करना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर आपने एक ऐसा अलायंस बनाया जिसमें आपकी पार्टनर कंपनी एक फॉरेन कंपनी है, तो उस फॉरेन कंपनी की होम कंट्री में यानी उस फॉरेन कंट्री में एंटर होना, वहाँ के लीगल बैरियर्स, ये सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आप इजीली क्या कर पाओगे, फॉरेन मार्केट में एंटर कर पाओगे। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल एडवांटेज। दीज आर एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस। लेकिन एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्रुप के, एक स्ट्रैटेजिक अलाइंस के। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो सिंपली है शेयरिंग। हर चीज़ की शेयरिंग होगी, द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट। जैसा अभी हमने पढ़ा कि एक कंपनी का अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर एक्सेस, ये सब बहुत स्ट्रांग है, तो उसका बेनिफिट ग्रुप के सारी कंपनीज़ को मिलेगा। नॉर्मली कंपनीज़ अपने इन सारी कैपेबिलिटीज़ की शेयरिंग नहीं करना चाहती, तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट। सिमिलरली जब हम प्लानिंग की शेयरिंग करते हैं, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, हम अपने ट्रेड सीक्रेट्स की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, इन सब के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इन सब का ये कॉन्सिक्वेंस होगा कि मान लीजिए अगर कल को वो स्ट्रैटेजिक अलायंस टूट जाता है या टाइम पीरियड ओवर होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए फ्यूचर में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है, क्योंकि उसको आपके बारे में पूरी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि आप हर तरीके से क्या कर रहे हो, अपनी हर नॉलेज, स्किल, रिसोर्स, हर चीज़ की आप उसके साथ में शेयरिंग कर रहे हो। सो देर इज़ अ थ्रेट
ऑफ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, मे बी कि आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर ही फ्यूचर में आपके लिए क्या बन के खड़ा हो जाए, आपके लिए एक कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो जाए. सो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेज.